क्योंकि जिस जिस का नाम इस जीवन की पोथी में होगा और जिस दिन ये जीवन की पोथी खुलेगी स्वर्ग में, उसी के हिसाब से सबका क्या होगा, न्याय होगा। समझ आ रही है? और लिखा जिसके जीवन की पोथी में नाम नहीं मिलेगी वो कहां पे फेंक दिए जाएंगे, कहां पर, कहां पे, सबको नहीं पता। जिनके जीवन की इस पोथी में, जैसे मान लो इसमें तो हमारा नाम नहीं है, इस बाइबल में तो हमारा नाम नहीं है, नहीं है ना, इनमें तो उन लोगों के नाम है जिन्होंने किसकी इच्छा मर्जी को पूरा किया, उन लोगों के नाम है। पर ऐसी सेम बाइबल स्वर्ग में हर एक के नाम की लिखी जा रही है। आवाज करो थोड़ा, सब खुश हो? खुदावन आपको बरकत दे चुके एडवांस में, आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब हम चाहत से और शांत से और तैयारी से आते हैं, बोलो क्या है, और हम मेहनत करते हैं उसमें, और उसका परमेश्वर हमें स्वर्ग से फल देता है। और जिस चाहत से आप आए हो उसका फल आपको दे चुका है, आमीन। अगर हम हिजकेल के जीवन के बारे बाइबल से पढ़ें, हिजकेल नाम का एक व्यक्ति, अगर उसने पहले मेहनत ना की होती तो जब उसके पास यशायाह नबी के द्वारा वचन आया कि तू निश्चय रोगी हो जाएगा और तू मर जाएगा, क्या जाएगा, तू मर जाएगा, ध्यान से सुनो, तो हिजकेल को यशायाह नबी के द्वारा ये वचन पहुंचा कि तू रोगी होगा और तू निश्चय मर, जब ऐसा वचन आया तो वो लिखा हिजकिया दीवार के साथ अपने माथे को लगाकर कैसी तो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, क्या करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा याद कर, क्या कर, याद कर मैं तेरे सन्मुख किस रीति से चलता आया, याद कर, किसे कहने लगा, किसे कहने लगा, परमेश्वर को हिजकिएल कहने लगा, अपना माथा दीवार के साथ लगाकर कहने लगा याद कर परमेश्वर मैं किस रीति से तेरे साथ चलता आया। और जब परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा, क्या देखा, मैं आपको हमेशा ही कई बार ये बात बोल चुका हूं कि जैसे ये एक बाइबल है, सेम एक ऐसी बाइबल आपके नाम की हर एक के ऊपर लिखी जा रही है, क्या लिखी जा रही है, हर एक के नाम की ये बाइबल ऊपर लिखी जा रही है। इसीलिए तो लिखा है कि उस दिन जीवन की पोथी खोली जाएगी, क्या जाएगी, क्योंकि इसमें तो हमारा नाम नहीं है ना, इनमें तो उन लोगों के नाम है जिनके जीवन के बारे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर हम पढ़े नहीं है तो सुनते तो है ना, तो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि उन लोगों ने कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और कितने लोगों ने नहीं उसकी इच्छा को पूरा किया, उसकी मर्जी को पूरा, और किन लोगों ने जब पूरा किया तो कैसे कैसे परमेश्वर ने अपनी भलाइयां अपने कामों को उनके साथ क्या किया, प्रकट किया। तो यहां से हम पढ़ते हैं ना, बोलो क्या, कैसे लोग यीशु मसीह के पास विश्वास से आए और कैसे हील हुए, कैसे चंगे हुए, तो यहां से हम सब कुछ पढ़ते हैं। हाँ, अगर हम विधवा के एक दान की एक फूटी कड़वी के बारे पढ़ते हैं ना, जिसने एक दमड़ी डाली, दीवानी जिसे बोलते हैं, उसके पास वही थी, बोलो क्या थी, तो उसका इस बाइबल में क्या है, नाम रिकॉर्ड है, तो उसके बारे लिखा है ना। तो यीशु मसीह ने कहा तुमने तो अपनी बढ़ती से दिया, बढ़ती मतलब समझे, तुम्हारे पास तो जितना है तुमने तो अपनी बढ़ती से मतलब ज्यादा से दिया ना, पर इसने अपनी दिया उसने सबसे कम, पर यीशु मसीह ने कहा इसने अपनी जीविका को क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसने अपनी जीविका को मतलब कह लो कि उस समय की दमड़ी और आज का 500 का बराबर, उस समय की दमड़ी
और आज का 500, और वही उसके पास था जिससे उसने, मान लो आज किसी के पास 500 बंदा है तो आराम से 30 रुपए की रोटी रेडी से मिल जाती है, मिल जाती ना। तो बंदा अगर कम है तो वो सोचेगा मेरा 5 दिन का रोटी का खर्चा चल जाएगा, हाँ। पर लिखा उसने, बाइबल में लिखा उसने वो डाल दिया। क्या डाल दिया? और यीशु मसीह ने कहा कि इसने तुम सबसे क्या दिया, ज्यादा, क्योंकि इसने अपनी जीविका को डाल दी। आमीन। और उसका इस बाइबल में नाम क्या है? दरज है। बोलो क्या है? क्योंकि जिस जिस का नाम इस जीवन की पोथी में होगा, और जिस दिन ये जीवन की पोथी खुलेगी स्वर्ग में, उसी के हिसाब से सबका क्या होगा? न्याय होगा। समझ आ रही है? और लिखा जिसके जीवन की पोथी में नाम नहीं मिलेंगे वो कहां पे फेंक दिए जाएंगे? कहां पर? कहां पे? सबको नहीं पता। जिनके जीवन की इस पोथी में, जैसे मान लो इसमें तो हमारा नाम नहीं है, इस बाइबल में तो हमारा नाम नहीं है, नहीं है ना, इनमें तो उन लोगों के नाम है जिन्होंने किसकी इच्छा को, मर्जी को पूरा किया, उन लोगों के नाम है। पर ऐसी सेम बाइबल स्वर्ग में हर एक के नाम की लिखी जा रही है। आमीन। क्या लिखी जा रही है? लिखी जा रही है तुम क्या क्या कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और उसी के अनुसार परमेश्वर आपको फल देगा। क्या देगा? स्वर्ग भी देगा और इस पृथ्वी पर भी क्या देगा? फल देगा। स्वर्ग तो देगा ही देगा, पर इस पृथ्वी पर भी क्या देखेगा? अगर हिजकिया ने कुछ किया ना होता, अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करता, परमेश्वर याद कर, तो उसके जीवन के 15 साल अब कैसे बढ़ते और बढ़ते? क्योंकि उसके 15 साल क्या हो गए? और बढ़ गए। हमें बढ़े कि नहीं बढ़े? क्यों बढ़े? क्योंकि उसने कहा परमेश्वर याद कर मैं तेरे सन्मुख किस रीति से चलता है। और जब परमेश्वर ने उसका रिकॉर्ड देखा, कहां से? सेम ऐसी वो पुस्तक जो कहां पे लिखी जा रही थी, इसी रीति से आपके नाम भी की बाइबल ऊपर लिखी जा रही है। अब क्या क्या कर रहे हो खुदा के लिए वो सब रिकॉर्ड हो रहा है हर दिन। बोलो क्या? हर दिन रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए फिलिप्पियों 4:6 में ऐसे क्यों लिखा? किसी भी बात की चिंता मत करो, जितनी भी प्रार्थनाएं तुम करते हो वो धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएंगे। आमीन। क्या किए जाएंगी? धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सन्मुख वो आपकी प्रार्थनाएं किसके सामने उपस्थित किए जाएंगे? लिखा है ना? तो आप जो कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं बड़े फेथ से कहता हूं ये बात। क्या कहता हूं? मैं बड़े फेथ से, बड़े विश्वास से परमेश्वर से कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हमारी सुनता है। क्या सुनता है? परमेश्वर हमारी सुनता है परमेश्वर। तो मैं कई बार बहुत फेथ से, विश्वास से परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, हाँ ये देखो, ये देखो। जैसे हम आपस में बात करते हैं, मैं तो ऐसे ही परमेश्वर से बात करता हूँ। आप कैसे करते हैं? हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ परमेश्वर से बात। ये देखो परमेश्वर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखो ये चीज़ है, ये ऐसे हो रही है। हाँ तो आप भी कर सकते हो ना, क्योंकि हम किसकी संतान है, हम किसकी संतान है, तो आप कर सकते हो। समझ आ रही है? तो ये याद रखना कि अगर आप ये मेहनत कर रहे हो तो ये सब कुछ ऊपर लिखा जा रहा है। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अपनी घटी में कुछ भी कर रहे हो, तुम नाइट प्रेयर में आ रहे हो, तुम दिन की आ रहे हो, संडे आ रहे हो, वीरवार आ रहे हो, जब भी परमेश्वर आपको बोल रहा है आप कर रहे हो, तो परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल आपको देगा। क्या देगा? क्योंकि बाइबल में लिखा उसमें की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अगर हिजकिय्याह ने मेहनत की थी तो उसके 15 साल बढ़ गए। अच्छी बात है ना? अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है ना? तो हम और जिएंगे यीशु मसीह के नाम से।
हम लंबा जिएंगे। क्या जिएंगे? लंबा जिएंगे, लंबा। आमीन।